नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां जानवरों की पूजा की जाती है। यह मंदिर अद्भुत आकर्षणों से भरे हुए हैं। भारत देश एक बहुसांस्कृतिक देश है जहां कई सारे अचंभों के बीच आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे खास मंदिर के बारे में जो आपको एकदम अचंभित यानी कि हैरान कर देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेंढक मंदिर की। जी हाँ, यह अपने आप में ही एक सबसे अलग मंदिर है और इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यह पहला ऐसा मंदिर नहीं है। देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ सांपों के मंदिर, चूहों के मंदिर, कुत्तों के मंदिर, चीलों के मंदिर इत्यादि आस्था के केंद्र हैं, लेकिन मेंढक का मंदिर भारत के एकमात्र मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि मेंढक के इस प्राचीन मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। भारत का यह अद्भुत मेंढक मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आयोकल कस्बे में स्थित है। यह मंदिर करीब 200 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण बाढ़ और सूखे व सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए करवाया गया था। यहाँ शिवजी मेंढक के पीठ पर विराजमान है। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ एक नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग भी है जो रंग बदलता है, और यहाँ खड़ी एक नंदी की मूर्ति है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह मंदिर अपने अंदर कई सारे राज दबाए बैठा है। बताया गया है कि जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय ओयल शैव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के शासक भगवान शिव के परम भक्त थे। इस कस्बे के बीच मंडूक यंत्र पर आधारित प्राचीन शिव मंदिर भी है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि यहाँ के पूजनीय देवता शिव जी है, ना कि मेंढक। हालांकि इस मंदिर की अद्भुत रचना बहुत ही अलग है जो लोगों के बीच उत्सुकता को बढ़ाती है। यह क्षेत्र 11वीं शताब्दी के बाद से 19वीं शताब्दी तक चहमान शासकों के अधीन रहा। चहमान वंश के राजा भक्ष सिंह ने ही इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया था। उत्तर प्रदेश के छोटे से नगर ओयल में स्थित यह ऐतिहासिक मंदिर खुद में कई सारी कहानियां समेटे हुए है। मंदिर की वास्तु परिकल्पना कपिला के एक महान तांत्रिक ने की थी। तंत्रवाद पर आधारित इस मंदिर की वास्तु संरचना अपनी विशेष शैली के कारण मन मोह लेती है। मेंढक मंदिर में दिवाली के अलावा महाशिवरात्रि पर भी भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। तंत्रों के अनुसार मेंढक समृद्धि, सौभाग्य और प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। मेंढक को अच्छी किस्मत और प्रजनन का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शादीशुदा जोड़े को इस मंदिर के दर्शन के लिए आना ही पड़ता है। वहीं दोस्तों, इस क्षेत्र के आसपास के कई ऐसे भक्त रोज इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। नर्मदेश्वर मंदिर यानी कि इस मेंढक मंदिर के दर्शन सबसे ज्यादा खास त्योहार के मौकों पर ही किए जाते हैं, जैसे कि शिवरात्रि और दिवाली। दोस्तों, ये बहुत ही खास मंदिर है और अगर आपको मौका मिले तो आप इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।